आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा में संज्ञा को नाउन कहते हैं। नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ अपनी आँखें बंद कीजिए। अब अपनी आँखों को खोलिए, बताएं आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं पंखा है, ब्लैक बोर्ड है, स्टूल है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं। कहने का भाव यह है कि हमें अपनी आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सब पदार्थों को हम नाउन कहते हैं। केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं, न उनकी सुगंध ली जा सकती है और न उनका कोई स्वाद लिया जा सकता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, योग्यता, दशा या स्थिति के नाम को हम नाउन संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न आता है संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा के तीन भेद ही मानते हैं, परंतु इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के पांच भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन आता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए नाउन, एंड आंसर इज देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। पहली है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से हिंदी में पढ़ते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का नाम ही प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, सुधा, कलकत्ता, ये सभी शब्द प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। दूसरी है कॉमन नाउन, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के समूह को, जाति को, वर्ग को कॉमन नाउन माना जाता है। जैसे हिंदी में कॉमन नाउन को अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, चेयर, सिटी, रिवर, टेबल, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा से माने जाते हैं, ऐसे शब्द जो किसी भी योग्यता, स्थिति, कार्य आदि को प्रकट करते हैं, उनके नामों में भाववाचक संज्ञा शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानी जाती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे काइंडनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, विजडम, हैप्पीनेस, दयालुता, बचपन, ईमानदारी, बुद्धिमता, खुशी, ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। चौथा भेद आता है कलेक्टिव नाउन, समुदायवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या है कि ऐसे शब्द जो एक समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, उनमें समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहा गया है। जैसे क्लास, कक्षा, क्राउड, भीड़, सोसाइटी, समाज, आर्मी, सेना, टीम, दल, बॉकेट, गुलदस्ता, ये सभी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, तो इनमें समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन मानी जाती है। पांचवा भेद है मैटेरियल नाउन, जिसको अपन द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ऐसे शब्द या ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य वस्तु के निर्माण में काम उपयोगी होते हैं, उनमें मटेरियल नाउन मानी जाती है। शुगर, चीनी, ऑयल, तेल, वुड, लकड़ी, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, डायमंड, हीरा, वाटर, जल, ये सभी शब्द हैं जो किसी न किसी मटेरियल के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं,
इसलिए इनमें मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। थैंक्स।